इस बीच क्लेरिस लाइफ साइंसेस को देख लेते हैं। अभी एक ब्लॉक डील हुई है और 46 लाख शेयरों का सौदा हुआ है 235 रुपए प्रति शेयर के भाव पर, और आप देखिए 234 पर ट्रेड करते हुए 5% नीचे अभी भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वैसे भी आज पूरे ही ऑटो सेक्टर को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर रेड्डी से मूड जो है वो थोड़ा सा जरूर खराब हुआ होगा ज्यादातर ऑटो स्टॉक्स। कल भी हमने देखा था वॉकहार्ट जैसे स्टॉक्स इंटरडे लोस पर बंद हुए थे। डॉक्टर रेड्डीज तो अभी भी 282 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन बाकी ऑटो जो फार्मा स्टॉक्स है वो देख लेते हैं। वॉकहार्ट आप देखिए बिल्कुल फ्लैट अभी ट्रेड कर रहा है। ग्लेनमार्क, ल्यूपिन, सिप्ला, यहाँ पर क्या एक्शन है? ल्यूपिन आप, सिप्ला आप देखिए 1/4% नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन क्लेरिस लाइफ साइंसेस अभी भी करीब करीब 4% नीचे ट्रेड करता हुआ। लेकिन जो कुछ छोटे स्टॉक्स अच्छी शुरुआत जिन शेयरों की हुई है उनको एक बार देख लेते हैं। एक बार देखिए आप ADF फूड्स को 8% ऊपर ये शेयर कामकाज कर रहा है 104 के लेवल्स पर। अच्छी शुरुआत आज स्टॉक की हुई है। PI इंडस्ट्रीज अर्निंग्स में जो टर्न अराउंड हुआ है उसी का असर देखा जा रहा है। 6.5% ऊपर 774 के स्तर पर कामकाज कर रहा है। डेल्टा कॉप का ऑलरेडी हमने जिक्र किया भी था, अभी भी 4.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। हरी, इन छोटे स्टॉक्स में से कोई शेयर आपको पसंद है, स्पेशली ऐसी कंपनी जहां पर नतीजों में सुधार दिख रहा है, कोई जहन में आता है आपके नाम? आई थिंक ADF फूड्स हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। यू नो डेल्टा तो खैर हम लोग ट्रैक नहीं करते बिकॉज नॉर्मली वी डोंट गेट टू मच इनटू कैजिनो स्टॉक्स। यू नो ये एक बहुत ही वॉलेटाइल सेक्टर रहता है और हमने दुनिया में देखा है कि कैजिनो स्टॉक्स का वैल्यूएशन जो है वो बहुत ऊपर जा सकता है और अचानक से वैल्यूएशन के नेम प्लोट, तो हम नॉर्मली कैजिनो स्टॉक्स ट्रैक नहीं करते हैं। पर ADF फूड्स मेरे ख्याल से एक अच्छा टर्न अराउंड दिखा रहा है, परफॉर्मेंस भी दिखा रहा है, आई थिंक स्टॉक प्राइस ऑल्सो मूविंग, सो दैट इज अ स्टॉक हम शायद थोड़ा क्लोजली ट्रैक करें एंड ऑल्सो वॉचिंग with interest. आप देखें क्लेरिस में जो इनफैक्ट जो सेल ऑफ है उसके पीछे अगर आप देखें जो ये एक डील के जरिए ब्लॉक डील के जरिए हाथ बदला है बड़े चंक में, अगर आप देखें और कुल मिला के अगर आप देखें 46 लाख शेयरों का सौदा हुआ है 235 के भाव पर। यानी अगर आप देखें इस 46 लाख शेयरों का जो कुल चंक है इट्स इन 7.2% ऑफ इक्विटी, यानी एक बड़ा अगर आप देखें यहाँ पर हाथ बदला है 237 के स्तर पर। यहाँ पर मैं कुछ अब थोड़ा सा टॉप ट्रेड काउंटर्स पे आऊँगा। देखिए इस वक्त बाजार का ध्यान कुछ स्टॉक्स जो खींच रहे हैं इस वक्त, आई थिंक इसमें एक रिलायंस कम्युनिकेशन है 2% ऊपर। कास्टेक्स अगेन आई मीन फेचिंग लॉट ऑफ वॉल्यूम्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, यहाँ पे शानदार तेजी, यहाँ पे 3.5% ऊपर है। पैराबोलिक, एमटेक ऑटो, एमटेक पूरे के पूरे स्पेस में तेजी यहाँ पर। PNB स्ट्राइक करता हुआ, एडुकॉम सॉल्यूशंस, अंबुजा सीमेंट्स, मनाली पेट्रो 36 के स्तर यहाँ पर। आप इस वक्त मनाली पेट्रो पर नजर रखिएगा राकेश, आई थिंक मनाली पेट्रो पर बात करना बनता है यहाँ पर। अब देखिए कितना स्ट्रॉन्ग मूव दिया इसने, ऑलमोस्ट 30 की ट्रेजेक्टरी से काउंटर लगभग 35.85 पर आज, और ये जो पूरा का पूरा अगस्त से लेकर इस अगस्त तक का आई मीन ये जो एक हल्की सी ड्रॉप चैनल जो है ना उसके हाइस को अगर मैं देखूं तो ये इसको वॉलेट कर रहा है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? वीरेंद्र आपने एकदम ठीक बताया, 36 रुपए के स्तरों पर नजर रखनी चाहिए, मात्र 20 पैसे नीचे चल रहा है वहां से, और एक बार ये स्टॉक 36 के ऊपर क्लोजिंग लेता है तो लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग होगी, एक अनचार्टेड टेरिटरी में एंटर करेगा और उस समय स्टॉक के अंदर मेरा ऐसा मानना है पर 36 के ऊपर क्लोजिंग लेता है तो 43-44 के लेवल्स मुमकिन है, एक मस्ट बाय कैंडिडेट है स्टॉक के। राकेश दो और स्टॉक्स पर आपके कमेंट्स, एक आप देखिए एमटेक ऑटो और दूसरा प्रिकॉल, ये ऑटो इंडस्ट्री के दो ऐसे शेयर है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी 4% ऊपर एमटेक ऑटो और प्रिकॉल भी इसी क्वांटम की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, दोनों पर ही आपकी स्ट्रेटजी क्या है? देखिए दीपाली, एमटेक के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 52 के ऊपर और ये ब्रेकआउट काफी एक्सटेंड हो सकता है, बीटन डाउन स्टॉक है, 61-62 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। प्रिकॉल की बात करें तो ऑलरेडी एक बड़ी रैली स्टॉक में देखने को मिली, अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर है, किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड करें, मेरे पास कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है कि नया निवेश इन स्तरों पर रिकमेंड करूं। ऑटो इंजीनियरिंग में ही नजर रखनी है तो मेरा ऐसा मानना है राणे होल्डिंग को देखना चाहिए जहां पर एक अच्छा उछाल आने वाले 1-1.5 महीने में देखने को मिल सकता है। इस बीच आप जरा एक बार डिश टीवी को देखिए, मैं सुबह जिस बात का कयास लगा रहा था कि ये स्टॉक माइट बी एक अटेम्प्ट ले अ सौ को स्ट्राइक करने का, याद रखिए इस क्लस्टर में आई मीन प्लीज जरा डिश टीवी एक बार आइएगा आप जरा, इस क्लस्टर में 100 के ऊपर इसकी स्ट्रेंथ है और 100 के नीचे अगर आप देखें ये एक्यूमिलेशन में रहता है और उसके बाद ऑलमोस्ट 90 ये डिस्ट्रीब्यूशन चला जाता है ये, तो एक डिश टीवी पे थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। अटेम्प्ट ले चुका है जुलाई के महीने में ये 1-2 और ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तीसरा या चौथा अटेम्प्ट होगा 100 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर आने के लिए, नजर रखिएगा इस स्टॉक पे। और कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जहां पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है, जी इंटरटेनमेंट में एक बार फिर से 490 स्ट्राइक करता हुआ, देन लेट्स टेक नॉसिल 60 के स्तर पर 3.5% ऊपर और आप फिर देखिए एक उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज 474, माय गॉड अगर आप देखें इस स्टॉक ने भी क्या मूव दिया, शानदार तेजी यहाँ पर है। BHL फिर एक बार फिर से 148 के लेवल को रीगेन कर चुका है और मैं आई मीन ये देखिए जो भी स्टॉक्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ ना ये विद वॉल्यूम्स हैं,
तो ये जो मूव है ना ये खोखला नहीं है. लेट्स टेक यूपीएल लिमिटेड, एक बार यूपीएल को देखना चाहूँगा. यूपीएल का टेक्निकल सेटअप भी काफ़ी अच्छा खासा था. यस 588 हरी, 588 पर यूपीएल, इट्स वॉल्यूम्स काफ़ी ज़ोरदार, पिछले 5 सेशन में काफ़ी एक्टिव भी रहा है. आप इस स्टॉक को कैसे देखते हैं हरी? नहीं बिल्कुल वीरन, हम ये एग्रोकेमिकल स्टॉक्स पे बहुत ही पॉजिटिव हैं. और यू नो खास करके हमारा रडार पे दो स्टॉक्स है, एक तो रैलिस है जो आई थिंक अराउंड 220 के आसपास कोट कर रहा है, और दूसरा यूपीएल है जो पहले यूनाइटेड फास्फोरस के नाम से जाना जाता है, जो आई थिंक 580-590 के रेंज पे. हम मानते हैं कि जिस तरह से अच्छा मानसून हुआ है और यू नो एक खारिफ आउटपुट पर इंप्रूवमेंट हुआ है, आई थिंक काफ़ी हद तक यू नो देर इज गोइंग टू बी एन इंप्रूवमेंट इन फार्मर इनकम्स. और नॉर्मली जब फार्मर इनकम्स बढ़ता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट सबसे पहले आता है एग्रोकेमिकल्स पर. और अनलाइक फर्टिलाइजर्स जो बहुत रेगुलेटेड है, एग्रोकेमिकल्स उतने रेगुलेटेड नहीं है. आई थिंक एग्रोकेमिकल्स में एक ही कंसर्न था कि काफी बड़ा मार्केट उनका लैटिन अमेरिका था जहां पे एक प्रेशर दिखाई दे रहा था, बट आई थिंक दैट इज काइंड ऑफ टर्निंग अराउंड एंड द वर्स्ट इज ओवर. सो मेरे ख्याल से जितना भी स्टॉक्स लाइक यूपीएल जहां जिसका काफी बड़ा लैटिन अमेरिकन मार्केट है, आई थिंक द वर्स्ट सीम्स टू बी ओवर. यहां से ये लोग टर्न अराउंड करके दे शुड गो मच फर्दर अप. जी, ये बार श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को देख लेते हैं. 1225 के आसपास ये शेयर कामकाज कर रहा है और आज नतीजे भी आने हैं. और क्वार्टर फोर की जो परफॉर्मेंस थी वो बेहद स्ट्रांग थी, उसके बाद से कंसिस्टेंट रन अप किया ही है इस शेयर ने. 1200-1250 के लेवल पर ही आया है, 900-950 के लेवल से चलते हुए. और आज जो नतीजे आने हैं उसके मुताबिक जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं या फिर जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वहां पर 24% के आसपास की ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है. हालांकि AUM ग्रोथ पर शायद थोड़ा सा प्रेशर दिखे क्योंकि इस क्वार्टर में जो कमर्शियल व्हीकल की सेल्स रही वो थोड़ा सा डिप हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर दिख सकता है इस पर्सपेक्टिव से. लेकिन हरी, आपकी राय क्या है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर? देखिए कंपनी अच्छी है, आई थिंक ये काफ़ी हद तक रूरल इनकम और रूरल डिमांड से ये स्टॉक बेनिफिट करता है. पर मेरा एक कंसर्न है, ये स्टॉक पे रैली बहुत हो चुका है. आप पिछले 6 महीने का चार्ट देखोगे तो लगभग 750 से लेके आई थिंक 1300 तक ये स्टॉक रैली कर चुका है. मुझे लगता है कि ये लेवल पे शायद मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस स्टॉक पे थोड़ा लिमिटेड है. हालांकि आई थिंक अभी करेक्ट होकर फिर से 1200 के आसपास आया है. I would still prefer to buy the stock closer to about 1000. I think ये 1200 में काफी fully valued लग रहा है और मुझे लग रहा है कि margin of safety काफी limited है.